अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ पास्ता और वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी और वाइट सॉस पास्ता होगा लेकिन उसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगी। चले आए उसके उसकी मेकिंग की तरफ। अब हम बनाने लगे हैं चिकन के साथ रेड सॉस। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून। और इसमें चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इतनी देर में ये चिकन हो रहा है, मैं पास्ता बॉईल करने लगी। आप इसको पास्ते को बॉईल करना 1 चम्मच नमक और ऑयल के साथ और थोड़ा सा पानी डाल के, और इसको पूरा कुक नहीं करना, इसको आपने तकरीबन 95% कुक करना है। और इसको मैं कुक करने के लिए रखने लगी हूँ। थोड़ा सा नमक डालेंगे साथ, इसमें अच्छी तरह नमक जो है वो गर्म हो जाए, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 5 से 10 मिनट इसको मैं फ्राई करूँगी। अब ये चिकन का देखिए थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर आ रहा है, इसको 2 से 3 मिनट में और अच्छे तरह से भूनूंगी और फिर मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड करूंगी। मैं आपको बताऊँगी, थोड़ा सा पानी डाला है और इसमें 1/2 चिली फ्लेक्स मैं अब डालूंगी और 1/2 मैं डालूंगी वाइट सॉस में, और ये 1/2 चम्मच इसमें नमक का जाएगा, और इसमें 1/2 ही गर्म मसाला मैं अभी डालूंगी इसमें, और 1/2 काली मिर्च डालूंगी, और ये टिक्का मसाला, ये तकरीबन सारे जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैं केचप डाल रही हूँ और 1 चम्मच में हाफ सॉल्ट डाल रही हूँ। से 3 टेबल स्पून में इसमें डालूंगी पास्ता सॉस। तकरीबन हमारा ये डन हो गया। इसके बाद मैं वाइट सॉस बनाऊंगी। आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, इसको रनिंग फॉर्म में रखना है थोड़ा सा, और तकरीबन ये डन हो गई है। हम वाइट सॉस बनाने लगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा ही गार्लिक का, एक जगह मैंने इसको काट के इस तरह इसमें थोड़ा सा हम फ्राई करें। सिर्फ इसका हमें कलर चेंज करना है, इसलिए डाला कि इसका फ्लेवर सारा ऑयल में आ जाए। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये 1 टेबल स्पून में से चिली फ्लेक्स बचा था वो डालूंगी, थोड़ी सी काली मिर्च और भी नमक। इसको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें इसका सिर्फ इसमें फ्लेवर लेके आना है। अब हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे मैदे का और इसको बिल्कुल हल्की आग पे हम इस तरह थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और इसको ज़्यादा हमें रनिंग फॉर्म में बनाना है क्योंकि थिक हो जाए तो फिर ये अच्छा नहीं बनता। इसमें मैं अब डालूंगी 1 से 1.5 कप दूध का। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए बनाने लगी हूँ कि मैंने इसमें पहले ऑयल में सारे स्पाइसेस इसलिए डाले कि ये सारा इसमें इसका फ्लेवर आ जाता है दूध में और मैदे वगैरह। बन गई तकरीबन, तो अब इसके अंदर हमने ये रेड वाली सॉस जो चिकन के साथ बनाई थी इसको हम इसमें शामिल कर देंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे। ये बहुत मज़े का पास्ता बनेगा, आप इसको लाजमी ट्राई करेगा करना है, और ये वाइट सॉस पास्ते से ज़्यादा मज़े का बनेगा क्योंकि मैंने इसको 2 फ्लेवर में बनाया है। इसमें मैं 1 स्लाइस चीज़ का डालने लगी हूँ क्योंकि ये पहले काफ़ी हैवी हो गया है और ज़्यादा चीज़ इसमें अच्छी नहीं लगेगी, और जो मैंने बॉयल करके पास्ता रखा था अब वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है और इस सॉस को आपने ज़्यादा थिक नहीं करना।
अब इसमें मैं थोड़ी सी सब्जियां ऐड करने लगी हूँ, शिमला मिर्च, सब्ज़ प्याज और बंद गोभी। अपने आपने अपने फ्लेवर के मुताबिक जितनी आपको पसंद है आप इसमें डाल सकती। अब इसको बस हल्का सा हलाना है और इसको डिश आउट करना है। ये बहुत मज़े की बनेगी और आपने इसको लाजमी ट्राई करके मुझे बताना। 3 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ ताकि वेजिटेबल भी अच्छे से कुक हो जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा ओरिगैनो डालूंगी और ये देखिए हमारा पिंक सॉस पास्ता तैयार हो गया। ये बहुत मज़े का है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसको लाजमी ट्राई करें। अब आप इसकी सॉस भी देखें और सॉस की थिकनेस भी देखें, बस इस तरह आपने इसको उतारा। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी, ये मज़े का पास्ता तैयार है।